नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम टाइल का क्वांटिटी कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करता हूँ। मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाता हूँ। तो मैं एक रूम कंसिडर करता हूँ जिसका फ्लोर का डायमेंशन है 10 फीट बाय 12 फीट। तो टाइल का कैलकुलेशन करने में हमें दो चीजों की रिक्वायर्ड होगी, एक तो फ्लोर का एरिया वहां पर टाइल लगता है, दूसरा स्कर्टिंग में लगता है। तो सबसे पहले फ्लोर में कितना टाइल लगेगा वो हम निकालते हैं, फ्लोर टाइल। तो फ्लोर टाइल के लिए हमें सबसे पहले फ्लोर का एरिया निकालना पड़ेगा। फ्लोर का एरिया अपना है 10 × 12, 10 फीट बाय 12 फीट, यानी 120 स्क्वायर फीट है अपना ये फ्लोर का एरिया। ये एरिया है 120 स्क्वायर फीट। अब अपना अगर हमें एक टाइल का डायमेंशन पता हो, तो एक टाइल नॉर्मली जो मार्केट में हम फ्लोर में लगाते हैं वो 2 फीट बाय 2 फीट का होता है। तो इसका एरिया देखें, एरिया ऑफ वन टाइल वो हो जाएगा अपना 2 × 2, यानी 4 स्क्वायर फीट। तो अब ओवरऑल फ्लोर में कितना टाइल लगेगा वो हम कैसे निकालेंगे, तो उसका एक सिंपल सा कुछ नहीं, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो वो निकल के आ जाएगा। अगर जो 120 स्क्वायर फीट को हम 4 से करें डिवाइड, तो वो कितना टाइल लगेगा वो पता चल जाएगा। इसको करें तो हम 30 टाइल्स लगेगा, 30 टाइल्स। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि मैं आपको अगर ड्राइंग में दिखाऊं तो वो कुछ ऐसे नजर आएगा कि 2 फीट बाय 2 फीट का ऐसे ऐसे करके 30 टाइल आपका इस पूरे एरिया में लगेगा, 30 टाइल्स। तो ये अपना फ्लोर का टाइलिंग था कि फ्लोर में हमें 30 टाइल लगाने पड़ेंगे 10 फीट बाय 12 फीट का रूम में। अब स्कर्टिंग का टाइल अगर हम देखें तो मैं इसे लिख देता हूँ लास्ट में जोड़ने के लिए, 30 टाइल्स यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा ये। अब हम स्कर्टिंग में कितना टाइल लगेगा ये निकालते हैं। तो स्कर्टिंग में स्कर्टिंग टाइल, तो स्कर्टिंग निकालने के लिए हमें अगर ये पेरीमीटर पता हो तो काम आसान हो जाएगा। मतलब ये स्कर्टिंग अपना चारों ओर लगता है ऐसे, तो हम अगर इन चारों पेरीमीटर को जोड़ दें तो अपना आ जाएगा 10 + 10 + 12 + 12, मतलब 44 फीट टोटल लेंथ है। और स्कर्टिंग का मैं सेक्शन दिखाऊं तो वो ऐसा, ये वाला डायमेंशन 6 इंची रहेगा, 6 इंची मतलब आधा फीट, 1 फीट में होता है अपना 12 इंच। तो 6 इंच में हाफ फीट, तो ये ओवरऑल पेरीमीटर है अपना 44 इंटू ये लेंथ से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो स्कर्टिंग का एरिया निकल जाएगा। तो वो कितना है अपना हाफ फिट, यानी 22 फिट 22 स्क्वायर फिट अपना स्कर्टिंग का एरिया आया। अब एक टाइल का एरिया एरिया अपना 4 स्क्वायर फिट है, नंबर ऑफ टाइल्स। ओवरऑल स्कर्टिंग के लिए 22 चाहिए और 4 आया, तो इसे हम कट कर दें तो वो आ जाएगा 5.5 टाइल्स। मतलब मैं इन एवरेज इसे 6 पकड़ लेता हूं, मतलब इस कटिंग में अपना 6 टाइल्स लगेगा, इधर चारों और इस कटिंग करने में 6 टाइल्स लगेगा। कुछ टाइल्स कटिंग में बर्बाद भी होती है, तो अब हम दोनों को जोड़ दें तो कितना टाइल होता है देखते हैं। मतलब 30 टाइल फ्लोर में 30 टाइल लगेगा और इस कटिंग में 6 टाइल लगेगा, टोटल 36 टाइल हो गए। और एक पेटी में 4 टाइल होते हैं, अगर जो आप 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर फीट का लोगे तो 4 टाइल्स, मतलब आपको 9 पेटी लेके आओगे आप तो एक रूम में आप टाइलिंग कर सकते हो। आपको टाइल्स के रिलेटेड कुछ और जानना है तो कमेंट करके बताएं, और ये वीडियो ठीक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।